उस नारी की क्या बात करे, हर बाधा को है लांघा उसने, शक्ति का भंडार है जिसमें अब ये है जाना उसने। समाज की रूढ़िवादी विचारधाराओं और मान्यताओं को पिछले कई दशकों से चुनौती देते हुए महिलाओं ने खुद को हर क्षेत्र में स्थापित किया है, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। आज हमारे बीच स्टूडियो में एक ऐसे ही बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो सशक्त हैं, मजबूत हैं और कामयाब हैं। उनके बारे में आपको बता दूं तो उन्होंने 2003 में सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया और अभी वो सचिव हैं उद्योग विभाग में, साथ ही सेक्रेटरी हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके साथ ही ये बतौर प्रबंध निदेशक कार्य कर रही हैं महिला और बाल विकास निगम बिहार सरकार में। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं वंदना प्रेयसी मैम का। मैम, कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका बहुत स्वागत है। दर्शकों, वंदना प्रेयसी IAS ऑफिसर बैच 2003 बिहार कैडर एक ऐसा नाम है जो पिछले दो दशकों से लगातार समाज एवं जन कल्याण में अपनी सेवा और भागीदारी देते आ रही हैं। फिर चाहे बात बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जमीनी स्तर पर समुदायों को सशक्त करने की हो या राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को आकार देने की, इन्होंने हमेशा अपनी काबिलियत, अपनी हुनर, अपनी सेवा का बखूबी निर्वहन किया है। दर्शकों, ये एक ऐसी महिला है जो हर रूप में हर किसी का मार्गदर्शन करती है, उन्हें प्रेरणा देती हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनका पुनः स्वागत करते हैं। मैम, आपका पुनः स्वागत है बिहार भवन में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दैट। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। ऐसा मैम, आपके दोस्तों का भी कहना है, आपके साथी अधिकारियों का भी कहना है कि अगर वंदना प्रेयसी को डिफाइन करना है तो वी कैन डिफाइन हर इन 5 words: स्ट्रिक्ट, बोल्ड, ब्रेव, स्मार्ट एंड नो नॉनसेंस। स्ट्रिक्ट एंड नो नॉनसेंस, उसमें मैम मैं भी एक वर्ड जोड़ना चाहूँगी, प्रेजेंटेबल एंड इम्प्रेसिव लुक। और वाकई में मैम, ये सारी क्वालिटीज़ आपको सबसे अलग बनाती हैं और सबके लिए प्रेरणात्मक बनाती हैं। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए तो हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मुश्किल प्रश्न है अपने आप को डिफाइन करना और चंद शब्द में अपने आप को समेटना, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो आई डिफाइन माई सेल्फ एज अ थिंकिंग इंडिविजुअल जो हर चीज़ को गहराई से सोचती है, हर चीज़ को समझती है और उसके बाद एक सोल्यूशन ओरिएंटेड है। तो वो मेरे या तो ऑफिस में भी ये अप्रोच काम आता है, घर में भी काम आता है। तो आई थिंक मेरे को अगर कोई डिफाइन करेगा तो शार्प एंड इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो वो हर बहुत सेंसिटिव है और बहुत दयालु है। आई थिंक आई एम काइंड। बिल्कुल, और यही सारी क्वालिटीज़ मैम आज के समय में लोगों को खुद में इनकलकेट करने की ज़रूरत भी है। बिल्कुल सही कहा शक्ति, बहुत सही कहा मैम आपने कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो हमें खुद में डालने की ज़रूरत होती है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, कि बाकी की चीज़ें तो ज़रूरी है ही है पर एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैम आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि व्हेन अ वुमन इज़ एजुकेटेड होल फैमिली इज़ एजुकेटेड, पर अभी भी हम कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, उतनी अहमियत अभी भी नहीं दी जाती। आपसे ये जानना चाहेंगे कि खुद के विकास के लिए, देश के विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, पर जो आपने कहा कि अभी भी एजुकेशन को लेकर सेंसिटिविटी नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे कि है, क्योंकि जो स्कूल में जो लड़कियां जा रही हैं बट वो शिक्षा का करेंगी क्या, उसका अब प्रश्न है। लोगों को, बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, वो टेंथ करती हैं, ट्वेल्थ भी कर रही हैं, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? तो उस विचारधारा में हमें चेंज लाना है कि हम उनको शिक्षित बना रहे हैं क्या फिर उसी परिपाटी में जाने के लिए, या उससे उससे अलग आगे बढ़ने के लिए, सेल्फ अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, एक रोजगार करने के लिए, या फिर हाँ पढ़ा लो क्योंकि अभी इसकी शादी नहीं कर रहे हैं, पढ़ा लो क्योंकि अभी पराए घर में नहीं जा रही है, बस उतना ही करना है और उतना ही पढ़ाओ कि शादी में दिक्कत ना आए। तो वो जो शादी ओरिएंटेड जो थॉट प्रोसेस है वो बच्चों लड़कियों के शिक्षा में थोड़ा सा बाधा लगते हैं मुझे। तो वो सोचना है कि लड़की को पढ़ाना है, इसको पैर पे खड़ा करना है, और लड़कियों में ये कॉन्सेप्ट है लेकिन वो जो उसके आसपास समाज में जो इकोसिस्टम है
उसमें नहीं है, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। जी बिल्कुल मैम, सही बात कह सकते हैं ना कि मैम अगर बात साक्षर होने की कहे या सशक्त होने की कहे, इन सबों में जो सबसे ज़रूरी है वो है स्वस्थ रहना। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में 1982 से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, जिसमें खास का ध्यान महिलाओं पर, बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर दिया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब चीज़ है। ऐसे में राष्ट्रीय पोषण माह क्या है और इसे क्यों एक महीने तक के लिए मनाया जाता है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल, पोषण माह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम एक तो अवेयरनेस लाते हैं कि पोषण कितना आवश्यक है, और पोषण का अर्थ है कि बैलेंस डाइट, दूसरा है कि समय पे खाना, और तीसरा जो मेरे विचार से बहुत ज़रूरी है, साथ खाना। तो ये हम लोग हर एज ग्रुप के लिए करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, गर्भवती और प्रेग्नेंट वीमेन हों, या जनरल आम पब्लिक हो, उनके बीच में ये मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है। और ये एक महीने का एक इंटेंसिव प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोग एक आईएसी कैंपेन होता है जिसमें हम बताते हैं कि अगर आप कुपोषित रहे तो यू आर इम्पैक्टिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, मतलब कि आपको और ख़ासकर महिलाओं के लिए हम लोग बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि महिलाओं खुद को ही अपनी लास्ट प्रायोरिटी मानती है जब पोषण में आता है। तो सबको बैठा के खिलाएंगे, फिर बैठेंगे खाने, जो बचेगा वो खाएंगे, तो अपने आप को प्राथमिकता देने में कहीं उनको हिचक है। तो ये हमारा कैंपेन है कि हर घर रोशन जिस घर में पोषण, और उसका क्या है कि आप सभी लोग बैठ के खाएं, ये नहीं कि पुरुष बैठ लिए, बच्चे बैठ लिए, खिला लिया, गरम गरम खिलाना है क्योंकि, और उसके बाद जो बचेगा हम अकेले बैठ के खा रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइट कि नहीं, सब लोग साथ बैठेंगे, सब लोग सेम खाना खाएंगे और बिल्कुल संतुलित आहार करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि पोषण में खासकर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही बात कही है मैम आपने। मैम हर साल जो राष्ट्रीय पोषण माह होता है वो एक अनूठे एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, तो 2024 का जो थीम है वो आपसे जानना चाहेंगे कि वो थीम क्या है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए और इसे और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमने एक कुपोषण को एक इंडिविजुअल से लेके एक सामाजिक प्रॉब्लम बनाया है। एक तो डेटा है वो कहता है कि हाँ कुपोषण है, हम ये जा रहे हैं कुपोषण का कारण क्या है। कुपोषण का कारण गरीबी है, तो उसके लिए ICDS में कार्यक्रम चलते हैं, उसमें भी हम लोग वेट लेते बच्चों का, पता करते हैं कि क्यों कुपोषित है, फिर उस पर इंटेंसिव होता है। और एक उसके बाद प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन को आयरन फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है। बट एक जो एक मैक्रो लेवल पे अगर हम लोग देखें तो मैक्रो लेवल पे एक समस्या है कि अगर आप लड़कियों को और महिलाओं को प्राथमिकता दीजिए, तो जैसे मैंने कहा कि हर घर रोशन अगर है पोषण, तो ये ज़रूरी है कि हर घर में हर जो घर में लोग हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी खाने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कम मात्रा होती है तो सर्टेन लोगों को ज़्यादा मिलता है वो, और सर्टेन परिवार के कुछ लोगों को कम मिलता है। ये असमानता को हम लोग तोड़ना चाहते हैं, कम है उसमें भी बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि महिलाओं को कहा जाता है कि वो बहुत ज़िम्मेदार होती है, और कुदरत ने भी उसे बहुत ज़िम्मेदार बनाया है क्योंकि उन्हें नया जीवन देने का मतलब अधिकार मिला है, या वो एक नया जीवन दे सकती हैं, लेकिन और उनके कंधों पर पूरे घर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी होती है, वो हर घर के हर लोगों के ध्यान मतलब बात हर चीज़ का ध्यान भी बहुत रखती हैं, लेकिन खुद को नज़रअंदाज करती हैं। उन्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगी, वो फिट नहीं रहेंगी, वो बाकी चीज़ों को कैसे देखेंगी। तो बींग एज अ वूमन, वर्किंग वूमन, आप कैसे महिलाओं को मोटिवेट करना चाहेंगी, खासकर उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। देखिए इसका दो पहलू है कि आपने कहा कि महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं, उनका ख्याल कौन रखता है, यू नो, तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, हमें परिवार को सोचना पड़ेगा कि वो तो सबका ख्याल रख ली, बट हु इज टेकिंग केयर ऑफ हर। तो उनके घर जो उनके हस्बैंड्स हैं, उनके सास है, ससुर है, बच्चे हैं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरी बहू है, वो सबकी जिम्मेदारी रखती है, उसको 5 मिनट देख के हम उसका ख्याल रख लें, एक तो ये है। तो ये एक सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार को महिला को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, अगर नहीं है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, हमें अपने आप को अपनी प्राथमिकता बनानी है, और उसके लिए गिल्टी फील नहीं करना है कि अरे हमने ये खा लिया, बच्चों को नहीं दिया। आप खाएंगी तभी तो बच्चे खुश रहेंगे, क्योंकि यू आर गिविंग योर 100% टू देम।
अगर आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगी तो आप अपने आसपास को कैसे ध्यान दे पाएंगे। तो पहली बात कि पूरे पूरे परिवार को उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको सेंटर ऑफ एवरीथिंग रखना चाहिए, क्योंकि वो एपिसेंटर है घर की, और उसको एपिसेंटर मानते हुए पोषण के टर्म से भी रखना चाहिए। और अगर नहीं ही हो रहा है तो महिला को आगे आके अपने आप को प्राथमिकता देते हुए अपना पोषण का ख्याल रखना होगा। और इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी पहल या बहुत अच्छी शुरुआत देश के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है, महिला समानता दिवस जो हर साल हम 26 अगस्त को मनाते हैं। एक कोशिश है जिसके ज़रिए हम लोगों को समझा सके, खासकर महिलाओं को समझा सके कि स्त्री और पुरुष दोनों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर देश के दो पंख होते हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। और कोई भी देश तभी विकासशील हो सकता है, प्रगतिशील हो सकता है, जब दोनों पंख समान हो। तो ऐसे में इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब समानता तो है, देना ही है, मतलब कि ये तो मुझे लगता है कि इस ये चर्चा भी होती है कि हम ये समान अधिकार मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, समान रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ गिवन थिंग। हम लोग सब इंडिविजुअल्स हैं और हम लोग सब डिजर्व करते हैं, लेकिन हम लोग अलग हैं, पुरुष अलग होते हैं, महिलाएँ अलग होती हैं, और हमारी अलग क्षमता है, उनकी अलग क्षमता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को समानता देनी ही होगी। तो समानता का ये अर्थ नहीं है कि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, वो तो कर ही सकती है, बट जो हम कर सकते हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। हम भी आपने कहा कि हम हमें भगवान ने ये शक्ति दी है कि हम आगे अपने बच्चे पैदा कर सकें, तो ये तो हम लोग प्लस प्लस है, तो हमारे एक्स्ट्रा है, तो हमें तो एक्स्ट्रा इज्जत मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा सब कुछ पे अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वी हैव समथिंग दैट नोबडी अदर जेंडर कांट डू। तो मुझे लगता है कि ये समानता की बातें एक जेंडर को ध्यान में रख के करनी चाहिए, और ये तो भेदभाव तो बिल्कुल ही, मतलब इस तो मेरे जहन में नहीं उतरता है कि क्यों भेदभाव किया जाता है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरह देखती हो और क्या ज़रूरी मानती है? देखिए, महिलाएं आधी आबादी, आपने कहा, अगर आधी आबादी देश के प्रगति में कॉन्ट्रीब्यूट करने से वंचित है तो देश का ही नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उनके टैलेंट को, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं अपने देश की प्रगति में, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं जी, तो देश उतनी जल्दी प्रगति कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इट मेक्स मोर गुड इकोनॉमिक एंड सोशल सेंस कि महिलाओं को बिल्कुल आगे बढ़ा के उनके जो टैलेंट्स है उनको होन किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको मेन स्ट्रीम में लाकर कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्रेरित किया जाए। बहुत सही बात कही मैम आपने। कहते हैं कि जैसे कि हम इस बार शक्ति पोषण माह मना रहे हैं, तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ देश का निर्माण कर सकते हैं। पर अभी भी हम ये देखते हैं मैम कि आधी आबादी महिलाओं और बच्चों की है, आधी से ज़्यादा आबादी कहें तो महिलाओं और बच्चों की है। सही पोषण नहीं मिल पाने के कारण, संतुलित आहार नहीं मिल पाने के कारण उनमें आयरन डिफिशेंसी, अनीमिया की प्रॉब्लम और बाकी सारे पोषक तत्वों की कमियां देखने को मिलती हैं। तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या और प्रयास किए जा रहे हैं इसे ठीक करने के लिए? एक अवेयरनेस कैंपेन है, जो पोषण माह मनाया जा रहा है वो एक अवेयरनेस कैंपेन भी है, और ये एक हमारा प्रयास है कि हम लोग को समझना पड़ेगा संतुलित आहार क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये सरकार की प्राथमिकता है, भारत सरकार की भी और बिहार सरकार की भी, दोनों की प्राथमिकता है कि कैसे हम करीब बिहार में करीब 41% महिलाएं कहते हैं कि कुपोषित हैं किसी न किसी प्रकार से, तो उसको हम लोग कैसे कमी ला सकें। और ये कमी जो कहा जाता है कि हमें अपने आप को बैक टू रूट्स करना है, जैसे मोटे अनाज की बात हो रही है आजकल, मिलेट्स की हो रही है, क्योंकि वो हमारे थाली में हमेशा था बट समाव वो ख़त्म हो गया। तो हमें प्रेरित करना लोगों को कि जो आसपास की है, ये नहीं कि आप कोई एग्जॉटिक फल ही लेके आइए बाहर से, जो भी आसपास है उस चीज़ों में सभी गुणवत्ता उपलब्ध है, तो आप लोकल परचेज करके लोकली अवेलेबल फूड को मोटे अनाज के साथ जोड़ के खाएंगे और समय पे खाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक होता है ना कि कलरफुल प्लेट हो और वो आसपास मिलता है हमारा, ये नहीं कि हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत है, तो लोकली अवेलेबल फूड है, फ्रूट्स है, जो भी है उसको यूज़ करें,
और सबके बीच में शेयर करें। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन सही खाना खाना एक कला है। मतलब आपके आपका जो प्लेट होता है शुड बी लाइक ए कैनवस, जहाँ पे हर तरह के रंग होने चाहिए, तभी आप समृद्ध और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए जैसा कि हम 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कई ऐसे चीज़ों को लागू किया गया, कई ऐसे कार्यक्रमों को लागू किया गया जिसके तहत हर किसी को वो पोषण, मतलब हर किसी को इस तरीके से गाइड कर सके कि कितना ज़रूरी है सही न्यूट्रिशन हमारे लिए। उनमें अगर आपकी बात करें तो इन पॉइंट्स में से एक है हर एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें आप भी अपनी भागीदारी दे रही हैं, चाहोगे इसके बारे में बताएं कुछ? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा कैंपेन लॉन्च किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और बहुत ही ऐसा कैंपेन है जो हर किसी के दिल को छू रहा है। तो क्योंकि मैं पर्यावरण सचिव भी हूँ, तो मेरा ये जिम्मेदारी भी है और कि यह कैंपेन को बिहार में लीड किया जाए। तो मैंने भी अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाया है, और बहुत इमोशनल मोमेंट होता है वो। तो ये एक क्लाइमेट को इमोशन से प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया है, और इसका मैसिव रिस्पांस आ रहा हमारे पास। और मुझे लगता है कि इससे लोगों को और उस पौधे का मरने नहीं देंगे लोगों, उसका पोषण करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, क्योंकि वो पेड़ माँ के नाम है। तो सोचिए कि कितनी गहरी सोच है इसमें, कि जो क्योंकि पेड़ को हम नर्चर करके बड़ा कर देंगे, और अगर हमारे देश की जनसंख्या है उसका 50% भी ये काम कर देते हैं, तो हमारे देखिए कितनी ग्रीनरी भी बढ़ेगी और एक अपनापन भी आएगा। बिल्कुल मैम, मैम पोषण माह हम मना रहे हैं, और इस पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पढ़ो भी बढ़ो भी ही है ना जी। तो है कि और पोषण पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, तो वो है कि देखिए एवरीथिंग इज डाइट, ठीक है। इनका यही कहना है कि मतलब कि यही सोच है इस कैंपेन की, कि फाउंडेशन गुड फूड है और अच्छा संतुलित आहार है, और लड़कियों के लिए खासकर कि आप तभी पढ़ाई कर पाएंगे, तभी आगे पढ़ पाएंगे जब आप खाना भी साथ में खा रही हैं। तो इसमें हमारा जो कैंपेन का रोल रहता है उसमें है कि लड़कियां बहुत सारा काम कर रही हैं और कम खा रही हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है कि पोषण के साथ आप पढ़ाई कीजिए, पोषण के साथ आप कीजिए, डैट मीन्स पोषण एक आधार है जो आपको अपने सभी लक्ष्यों को पाने के लिए आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बहुत सही बात कही आपने अभी मैम, कि पोषण एक आधार है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए हमें बहुत मदद करता है। और एक और बात यहाँ पे उठती है मैम, हर एज ग्रुप की अगर बात करें, अगर बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, तो सबका जो खाने का जो एक संतुलन होना चाहिए, एक आहार होना चाहिए, उम्र के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से होना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जब एक जेनरिक हम लोग संतुलित आहार के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो एक हमेशा एज स्पेसिफिक है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको हाई प्रोटीन देना है हमको। जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स है उनको एक्स्ट्रा पोषण देना होगा, प्रोटीन के साथ साथ उनको आयरन का देना होगा। अगर कोई अब महिलाएं जो मेनोपॉजल हैं, जो उनके लिए फिर एक बोन का डेंसिटी कम होता है, तो उनके लिए वो करना पड़ता है। तो यस, दिस इज़, और इसके लिए भी हमारा कैंपेन चल रहा है कि एज स्पेसिफिक आप कीजिए। लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिनका बहुत जाता है, तो उनके लिए स्पेसिफिक डाइट आपको लेना होगा, कि आपका भी बोन का इम्पोर्टेंस है, आपको न्यूट्रिशन आपको खुद नहीं अपने बच्चों को भी देना है। तो ये एज स्पेसिफिक थाली हम लोग बनाए हैं अपने कैंपेन में, कि एक छोटे बच्चे की थाली कैसी होनी चाहिए, उससे जो टीनेजर्स हैं या जो बढ़ते बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनकी थाली कैसी होनी चाहिए, एक जो एक लाइफ साइकिल अप्रोच हम लोगों ने लिया है न्यूट्रिशन के लिए, एक लाइफ साइकिल अप्रोच है और हर की थाली अलग है। तो ये हमारा प्रयास है इसके लिए, बहुत सुंदर प्रयास। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत मैम बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चला जा रहा है, बहुत सारे उद्देश्य पे काम किया जा रहा है, उनमें से एक है टेक्नोलॉजी विद बेटर गवर्नेंस, और आप भी वर्तमान समय में बतौर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज बिहार
के रूप में कार्यरत है, उसके पद पर पदस्थापित है। तो ऐसे में आप इस बात को बखूबी समझती हैं कि विकासशील होने के लिए आधुनिकीकरण होना, टेक्नोलॉजी का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? टेक्नोलॉजी तो एक क्रॉस कटिंग फैक्टर है अक्रॉस एवरीथिंग। मेरे पास तीन विभाग है, जैसे इंडस्ट्री, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन एंड चाइल्ड। तो तीनों के कटिंग अक्रॉस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। और तो क्योंकि आज पोषण की बात हो रही है, तो हमारे जो पोषण ट्रैकर करके हमारा एक टेक्नोलॉजी है, जो हम जितने भी आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चे होते हैं उनको हम ट्रैक करते हैं, उनका फ़ोटो लिया जाता है, उनका वजन होता है, फिर उनको हर महीने ट्रैक किया जाता है कि उनकी पोषण की स्थिति क्या है और उनका वेट क्या था और इतने समय के बाद उनका वेट क्या हो गया। एंड दिस इज़ अ वेरी माइक्रो लेवल पे हम लोग उनका मॉनिटरिंग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हर लेवल पे हर जगह काम आता है। और पोषण में हम लोग बच्चों को ट्रैक करने के लिए, उनको कुपोषण से पोषित होने के लिए हम लोग इसका बखूबी से यूज़ कर रहे हैं जी। हर साल पोषण माह एक नए थीम के साथ मनाया जाता है, और इस बार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसके उस समय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है। तो उस समय एक समय था जब हम लोगों ने इसको प्रमोट किया कि आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो प्रेग्नेंट जो महिलाओं को 6 महीनों का पेटर्निटी लीव भी दिया कि आपका अधिकार है, आप ये छुट्टी लीजिए और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। लेकिन जब ये फेज़ ख़त्म होता है 6 महीने का, तो बच्चों को अब अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। और उस समय आपको दाल का पानी, क्रश फूड, फ्रूट का जो पीस के दिया जाता है, खिचड़ी, ये सब देना है। तो इस बार अब कैंपेन में ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे ध्यान देना है, ताकि हम लोग एक स्वस्थ पोषित बच्चे की नींव रख सके। 6 महीना एक्सक्लूसिव फीडिंग, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की शुरुआत की जाती है। शुरू में एक दो बार से शुरुआत कहती है, बनाना को मैश करके जैसे दे दिया आपने जैसे मैंने कहा दाल का पानी या खिचड़ी ये दिया, उसके बाद उसके आप बढ़ाते चलते, आप सब्ज़ी ले आते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स को बॉयल करके देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चा को फीडिंग चलते रहता है, बट उसके साथ अतिरिक्त पोषण मिलते रहता है। और ये फोकस अब हमारा है कि ये जो ट्रांजिशन हम कर रहे हैं फ्रॉम एक्सक्लूसिव टू कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इस पर हम लोगों को फोकस करना है जी। बिल्कुल, अगर अपने भारत देश की बात करें तो कहते हैं कि सबसे तेज़ी से विकास करने वाले देशों में एक हमारा भारत देश भी शामिल है, फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुपोषण और भूखमरी से जुड़ी समस्या आम तौर पर देखने और सुनने को मिलती है, खासकर महिलाओं और बच्चों में अनीमिया की परेशानी। ऐसे में सरकार द्वारा क्या कुछ प्रावधान अपनाए गए हैं इसे दूर करने के लिए, लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के लिए, सुपोषित करने के लिए? ये बात सही है कि अभी भी कुपोषण है, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रगति किया है। और इस जो मैंने जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, 2 दशक में मैंने खुद देखा है कि कैसे ये कितना बड़ा जटिल समस्या से, ये अब समस्या है, लेकिन हम लोगों ने कई काफ़ी हद तक अच्छे से फाइट किया है। तो आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जाती है हर क्षेत्र में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो फ्रंट एंड पे है, वो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है, जहाँ पे हम लोग 0 to 5 years के बच्चों को, उसके 6 महीना से 5 साल के बच्चों को, किशोरियों को, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को हम लोग THR देते हैं, टेक होम राशन देते हैं। तो उसमें उनको राशन मिलता है, बच्चों को वहाँ पे खिलाया भी जाता है। तो एक फ्रंट एंड हो गया। हमारा दूसरा फ्रंट एंड है जो हमारा PDS सिस्टम है, कि कहीं भी ऐसा ना हो कि अनाज के अभाव में लोग कुपोषित रह जाए। तो मैसिव कैंपेन है हमारा, घर घर हमारा ये अनाज पहुंचाने का, जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलता है। इसके अलावा हमारा जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम है, वो भी कहते हैं कि जो मजदूर हैं उनको मजदूरी देंगे ताकि उनके घर में खाना चलते रहे। तो एक तो फ्रंट एंड आगे आके हम लोग देते हैं, जो बिल्कुल खाना देते हैं, अनाज देते हैं, जागरूक करते हैं, और एक तरफ पीछे तरफ हमारे कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका एक कंपोनेंट इसी के लिए है कि हर घर में कुछ राशि पहुँचे जिससे कि उनके द्वारा अपना पोषण किया जा सके। जी, बहुत सारी बातें हो गई मैम पोषण के बारे में। अब कुछ बातें आपके बारे में जानना चाहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक भी ये चीज़ बिल्कुल इच्छुक होंगे ये चीज़ जानने की। आप करीबन 2 दशकों से कार्यरत हैं, और इस बीच आप कई पोस्ट पर आपने अपनी सर्विस दी है।
आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सर्विस के दौरान ऐसा कोई वाक्या, क्योंकि जिम्मेदारियां अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आता है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई चैलेंज, कोई वाक्या जो आपने फेस किया हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, हर पोजीशन पे कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं, और कुछ चैलेंजेस आपको सिखाता है और कुछ चैलेंजेस आपको मजबूत बनाता है। बिल्कुल। तो मेरे विचार से मुझे नक्सल एरिया में पोस्टिंग थी गया में। गया का उस समय एक एरिया बहुत नक्सल था, तो उस समय हम लोग एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स में जाते थे, तो वहाँ पे एक जगह था डुमरिया, बिल्कुल चकरबंदा डुमरिया, ये सब एकदम झारखंड के बॉर्डर पर था, एक्सट्रीम नक्सल जी। तो वहाँ चुनाव कराना था, और कहते थे कि वहाँ पे चुनाव तो हो नहीं सकता, 1 बजे जाएगी पोलिंग पार्टी, क्योंकि नक्सल का बोलबाला था। और वहाँ पे जाके खुद मैंने जाके वहाँ पे पहुँच के, जो मच टू द अनॉयंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वहाँ के पुलिस वाले, मत जाइए मैडम, मैंने कहा नहीं जाना है, क्योंकि ये चुनाव ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग को सबकी भागीदारी इंश्योर करनी है, और नक्सल को अगर हटाना है तो उनका जवाब तो वोट ही है, लोगों की भागीदारी है। तो हम लोग गए वहाँ पे, वहाँ पे हम लोगों ने वोट डलवाया, लोग घर से बाहर आए, और बिल्कुल बिना इंसिडेंट के चकरबंदा और डुमरिया जैसे क्षेत्र में नक्सल का जो गढ़ था उसमें चुनाव करा के बैलेट ये ईवीएम से बैलेट बॉक्सेस लेके हम लोग आए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइड चैलेंजिंग था, और बहुत ही, क्योंकि एंटी लैंडमाइन व्हीकल में जाना होता था, क्योंकि लैंडमाइंस कभी हो सकते थे, कभी उड़ा दिया जाता था, थ्रेट्स भी आते थे कि मैडम आपको किडनैप कर लेंगे, क्योंकि 2-3 कलेक्टर्स को किडनैप भी किया गया था उस समय। लेकिन उसमें भी यू नो ये एक चुनाव संपन्न कराना मेरे लिए लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज था, और जो मुझे आज भी सेटिस्फैक्शन देता है। आपने बराबर लगातार साहस का एक परिचय दिया है मैम, आप हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। अगर मैं बंदा प्रेसी से ये जानना चाहूँ कि आपको क्या मोटिवेटेड रखता है, आपको मजबूत क्या बनाता है, आपके प्रेरणा का क्या स्रोत है, तो क्या कहेंगे इस पर? मेरे को लगता है प्रेरणा बदलते रहता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक लगता है कि अपने आप को प्रूव करना है, तो एक बार प्रूव कर लिया तो अब आगे है कि कुछ कंट्रीब्यूट करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दिया है तो आपको कंट्रीब्यूट करना, तो गिव योर 100%। और आज के दिन में मुझे ये प्रेरणा देती है कि आप जो भी काम कर रहे हो, एक आपका आप योर डोंट फॉर डूइंग थिंग्स, एक तरीके से उससे कभी घटना नहीं है, चाहे जितना भी आपको मेहनत करने पड़े, आपसे एक्सपेक्टेड है कि यू विल डिलीवर एंड यू विल डिलीवर वेल। तो यही इमेज जो है मुझे प्रेरणा देती है कि नहीं, मुझे अब इस बेंचमार्क से और ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करना है। तो वो मेरे लिए प्रेरणा है कि हाउ डू आई कंट्रीब्यूट, और हमने जो अपना ही बेंचमार्क सेट किया उसको कैसे क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। कहते हैं ना मैम कि वर्किंग वूमन जितना सुंदर मतलब सुनने में लगता है, उतना ही डिफ़िकल्ट से जीना होता है। ऐसे भी महिलाओं के ऊपर घर के साथ साथ मतलब बाहर की भी जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है, और अगर आपकी बात की जाए तो आप 4-4 विभाग में पदस्थापित है एक ऊँचे अहदे पर, जितना ऊँचा अहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व। ऐसे में आप किस तरीके से खुद के लिए समय निकाल पाती हैं, किस तरीके से भी पर्सनल लाइफ को जी पाती हैं? वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे आपने कहा कि हर वुमन वर्किंग है, वो घर में खट रही है, बाहर खट रही है, बट वर्किंग सब है। और वर्किंग वुमन को अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हम लोग बाहर भी काम करते हैं तो हमारे टाइम का बहुत प्रेशर है। तो हम ये कि माई टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, तो मतलब हर मोमेंट को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो मतलब कोई वेस्ट नहीं करना टाइम, एवरी टाइम, अगर रिलैक्सेशन भी है तो वो भी एक सीमित टाइम, उसके लिए भी सीमित टाइम है। तो मेरा सीमित टाइम मेरा सुबह का होता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं, आप उठ गए हो, बट कोई एकदम शांत है घर, तो उस समय आप सोच रहे हो, यू कैन मेडिटेट, यू कैन डू योर एक्सरसाइजेज, क्योंकि एक बार अगर बच्चे उठना शुरू हो गए तो वो तो शांति ख़त्म। तो अर्ली मॉर्निंग्स निकालते हैं, बट सबको अपना समय चुनना होगा, सबको अपना एक अपने लिए एक मी टाइम खोजना होगा, चाहे आप वर्किंग बाहर हैं या वर्किंग घर में ही हैं, बट तभी भी एक आत्मसात करने की ज़रूरत होती है हमें, तो वो हमें लगता है वो ज़रूरी है, वी हैव टू मेडिटेट ऑन वॉट वी आर डूइंग। बहुत सुंदर बात कही शक्ति मैम ने अभी। मैम, जब हम स्वस्थ रहते हैं, मेंटली फिजिकली हेल्दी रहते हैं, तभी हम परफॉर्म भी अच्छा कर पाते हैं, हम काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ऐसे में
काम के अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि फुर्सत के पलों में कोई ऐसी हॉबीज या क्या करना पसंद करती हैं जो आपको एनर्जेटिक रखता है? ओ, सोना पसंद करते हैं डेफिनेटली क्योंकि यू जस्ट डोंट गेट टाइम तो नहीं, बट दैट्स असाइड यस, नींद, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, वो पूरा करना ज़रूरी है. लेकिन मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है. आई लाइक टू एक्सरसाइज, आई वॉन्ट टू कीप फिट. और वो ज़रूरी है क्योंकि आपको घर देखना, बाहर देखना है एंड आपको एनर्जी रखना है. तो आप योगा करते हैं, जिम जाते हैं, यू नो, आई वॉक के लिए जाते हैं, आई कनेक्ट विथ नेचर. तो मुझे, और अगर ये सब हटा दिया जाए तो मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. अगर ट्रैवलिंग लाइक मुझे लगता है कि हर एक को ट्रैवल करना चाहिए. ये नहीं कि यहाँ से जाके आप बहुत बड़ी जगह जा रहे हैं, आप बगल के ज़िले में चले जाइए, आप अपने आसपास के क्षेत्र को ये कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए. क्योंकि ट्रैवलिंग आपको बहुत सिखाता है जी, आपको बहुत लर्निंग होती है, बच्चों की बहुत लर्निंग होती है. अगर आप एक पब्लिक में कैसे डील किया जाए, आप कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं. तो ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और आई रियली इन्जॉय इट. बिल्कुल, जैसे कि अगर आज के बच्चों की बात करें या युवा की बात करें या हर किसी की बात करें, तो अक्सर देखा जाता है उनसे पूछ, अगर कोई उन्हें कह दे कि तुम मोटे हो गए हो या पतले हो, तो वो अधिक या ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं. जबकि उन्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अधिक या ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है या कम खाने की ज़रूरत नहीं है, सही खाना खाने की ज़रूरत है. तो चलते चलते राष्ट्रीय पोषण माह पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये मैं यही संदेश देना चाहूँगी इस राष्ट्रीय पोषण माह पे कि मोटा पतला आपके स्वास्थ्य का इंडिकेटर नहीं है. व्हाट इज़ इंडिकेटर कि आपकी थाली में क्या है. क्या आपकी थाली में संपूर्ण संतुलित आहार है, और जो हमने कहा कि आपकी उम्र के हिसाब से, आपके इस लाइफ के स्टेज पे उसके हिसाब से. युवाओं को कहेंगे कि जंक फूड नहीं खाना है, बहुत अट्रैक्टिव है, नहीं खाना है. महिलाओं को कहेंगे कि आप आगे आइए और आप खुद, आप अपनी चिंता खुद कीजिए और खाइए. अब हमने जो वृद्ध हैं उनको कहेंगे कि आपको अभी और जीना है और अपने थाली को और स्ट्रॉन्ग बनाइए. तो हर एक लोगों को यही कहेंगे कि पोषण एक हमारा नींव है, हमारा आधार है, इसको आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है. मैम, आपकी बातों को सुनकर एहतशाम अख्तर का एक शेर याद आ रहा है कि शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से. जिस तरीके से आपने अच्छी बातें साझा की, जिस तरीके से लोगों को आपने मोटिवेट किया, अपना समय निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद. बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू.